मध्य प्रदेश में भोपाल इंदौर सहित प्रदेश की बाकी बची सीटों को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक आहूत की गई। इस दौरान पूर्व सीएम शिवराज, प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे सहित कई बड़े नेताओं ने बैठक ली। इस दौरान प्रत्याशियों के नाम और डैमेज कंट्रोल को लेकर मंथन किया गया। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं। वहीं प्रदेश की सबसे चर्चित और भाजपा का अभेद किला कही जाने वाली इंदौर भोपाल सीट पर भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया, लिहाजा इंदौर भोपाल सहित प्रदेश की विभिन्न संसदीय सीटों के लिए प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, लोकसभा प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा सहित कई बड़े पदाधिकारियों ने सीटों के समीकरणों के हिसाब से रणनीति तैयार की। बैठक में इस दौरान प्रत्याशियों के विरोध, भीतरघात सहित नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने पर भी मंथन किया गया। गौरतलब है कि कई सीटों पर प्रत्याशियों का जमकर विरोध हो रहा है, पदाधिकारियों के इस्तीफे भी हुए हैं। इन्हें मनाने के अलावा प्रत्याशियों को स्थानीय कार्यकर्ताओं का सहयोग कैसे मिले, इस पर भी मंथन किया गया। बैठक में चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार की रूपरेखा भी बनाई गई, साथ ही स्टार प्रचारकों की सभाओं में किन स्थानीय मुद्दों को शामिल किया जाए, उस पर भी विचार किया गया। वहीं भोपाल लोकसभा सीट पर भी भाजपा ने काफी देर तक मंथन किया और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को चुनौती देने के लिए कड़ा एक्शन प्लान भी बनाया गया। दो दिन में घोषित हो जाएगी, ये भी जो पांच सीटें शेष बची हैं, एक दो दिन में घोषित हो जाएंगी। देखिए, राज्य के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर जो कमलनाथ जी सरकार की रवैया रही है और माननीय शिवराज जी की जो लोकप्रियता थी राज्य के अंदर, पिछले दो तीन महीना के अंदर आम जनता ने स्वीकार किया कि कांग्रेस आने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ा है और ट्रांसफर उद्योग चला है, जिसके कारण आम जन सामान्य लोगों ने, मध्य प्रदेश के लोगों ने मन बना चुका है कि माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और मध्य प्रदेश के अंदर भी कमल खिले, इसके लिए आम जनमानस तय कर चुके हैं और कार्यकर्ता भी पहली बार मन से, कार्यकर्ता भी ठीक ढंग से और मन से लगा है माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के सम्मान में, और कार्यकर्ता सभी मैदान में, कार्यकर्ता मन से लगा है। कार्यकर्ता इस समय केवल माननीय मोदी जी को और कमल को देख रहा है, इसके अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो समझता है कि मोदी जी के ही शासन में सीमा भी सुरक्षित रहेंगे, देश भी सुरक्षित रहेगा और प्रत्येक गरीब को पक्का छत मिलेगा और 24 घंटा लाइट मिलेगा और भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त होगा, आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवादी को मिटा दिया जाएगा, इनकी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी, ऐसे भ्रष्ट बेईमान लोग, विजय माल्या जैसे लोग लूट कर देश में बाहर भागते हैं, उनकी भी प्रॉपर्टियों को सब जब्त करने की ताकत यदि किसी के अंदर है तो देश का मात्र एक प्रधानमंत्री है जो भाई नरेंद्र मोदी। आपको लगता है, मुझे लगता है कि जब आप ये विरोध की बात करते हैं, निगम चुनाव से लेकर, पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव और पार्लियामेंट का चुनाव, ये कोई नई बात नहीं है। कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोगों के मत मतांतर होते हैं, लोग अपना विरोध दर्ज करते हैं और चुनाव के काम में लग जाते हैं, तो कोई नई बात नहीं, बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। मैंने क्या कहा कि लोकतंत्र में ये सामान्य प्रक्रिया है, इसमें लोग अपने आप चीज़ों को करते हैं, सब पार्टी के लोग काम में लगते हैं और ये विरोध चलना ये सब राजनीति का एक हिस्सा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। कुल मिलाकर भाजपा भोपाल और इंदौर लोकसभा सीटों पर फूक फूक कर कदम रख रही है। अब देखना होगा कि भोपाल और इंदौर में बीजेपी कौन सा चेहरा मैदान में उतारती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।